हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। उन भागों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला जो पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो होता है नाउन। इसे हम संज्ञा कहते हैं। बी पार्ट से हमारे पास प्रोनाउन, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। सी पार्ट है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसे हम विशेषण कहते हैं। डी पार्ट है हमारा वर्ब, इसको हम क्रिया कहते हैं। ई पार्ट है हमारे पास एडवर्ब, इसे कहते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताता है। प्रीपोजिशन, इसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ऐसी होता है कंजेक्शन, इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसी होता है इंटरजेक्शन, इसे विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार से ये 8 पार्ट्स होते हैं। आप देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके विस्तार रूप बताऊंगा। जैसे नाउन है, नाउन के कितने पार्ट हैं, नाउन किसे कहते हैं, इन चीजों के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही मैं इन 8ों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में जानकारी प्राप्त होगी। यदि स्टूडेंट्स मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।